हेलो गाइस, वेलकम ऑन टेक्निकल वसीम अकरम यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद। आज फिर एक नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरह से टिकटॉक में जो जीमेल होती है या ईमेल होती है उसको अनलिंक किस तरह कर सकते हैं, रिमूव किस तरह कर सकते हैं। तो सिंपल से टिकटॉक को ओपन करते हैं और आप लोगों को यहाँ पर समझाते हैं तफसील के साथ। तो पहले तो आप लोगों ने टिकटॉक को यहाँ से रिमूव करते हैं, दोबारा ओपन करके दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे कि हमने टिकटॉक को ओपन किया तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से नया इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोफाइल पे आप लोगों ने क्लिक किया उसके बाद ऊपर आप लोगों को थ्री लाइन दिखा रहा है, यहाँ पर मैं निशान लगा दिया मैंने, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे थ्री लाइन पर क्लिक करोगे उसके बाद आप लोगों को सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से एक नया इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को पहले वाले ऑप्शन मैनेज अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही मैनेज अकाउंट पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से एक नया इंटरफेस होगा। पहले नंबर पे आप लोगों को फ़ोन नंबर, दूसरे नंबर पर ई मेल और तीसरे नंबर पर बर्थ डेट दिखाता है। तो फाइनली हम यहाँ पर ई मेल पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ई मेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक चेंज ई मेल और एक अनलिंक ई मेल। तो आप ईमेल को अगर चेंज ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ क्या ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर चेंज ईमेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाएगा कि ईमेल पर कोड जा रहा है, वो कोड यहाँ पर लगाएं और अपनी ईमेल चेंज कर लें, जबकि आप लोगों के पास वो ईमेल मौजूद ही नहीं होगी। अगर ईमेल मौजूद नहीं है तो यहाँ पर दोबारा अनलिंक पर क्लिक करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कंटिन्यू टू अनलिंक पर क्लिक करते हैं तो यू आर सेंडिंग टू मैनी कोड्स, प्लीज़ ट्राई अगेन। अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने टोमेटो वीपीएन लगाना है और उसके ज़रिए ईमेल को चेंज करना है। तो सिंपल सा हम यहाँ पर चेंज ईमेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यू आर सेंडिंग टू मैनी वेरिफिकेशन कोड्स यहाँ पर दिखा रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर बहुत से लोग गलती करते हैं तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है कैन नॉट एक्सेस द ईमेल, तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने नया इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर नंबर पर कोड भेजा जाएगा, उस कोड को आप लोगों ने करना है यहाँ पर टाइप, क्योंकि आप चेंज करना चाहते हो। तो सिंपल सा हमें जैसे ही कोड रिसीव होगा हम यहाँ पर उस कोड को टाइप कर देंगे। कोड को टाइप करने के बाद फाइनली हमें कोड रिसीव हो चुका है। तो इस कोड को हमें करेंगे यहाँ पर टाइप। कोड टाइप करने के बाद हमारे सामने नया इंटरफेस होगा, मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेंज ईमेल एड्रेस का ऑप्शन हमें शो हो चुका है। इसको अनलिंक करेंगे, ईमेल को रिमूव करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक ईमेल यहाँ पर ऐड करना ज़रूरी है। हम नई ईमेल एक बनाई है उसको यहाँ पर हम करेंगे टाइप। उस ईमेल को हम यहाँ पर कर लेते हैं टाइप। उसके बाद आप लोगों ने सेंड कोड पे क्लिक करना है। दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी टेकन, ये ईमेल पहले किसी अकाउंट में मौजूद है। अब दोबारा नई ईमेल बनाएंगे हम। अभी हमने दोबारा ईमेल को क्रिएट किया है तो इसको यहाँ पर हम करते हैं टाइप और उसके बाद सेंड कोड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेंड कोड पे क्लिक करेंगे तो इस ईमेल पर हमारी इस ईमेल पर कोड भेजा जाएगा। जैसे रिसीव होगा हम आप लोगों को दिखाएंगे, यहाँ पर ईमेल में चले जाएंगे। जीमेल में जाने के बाद यहाँ पर भी दिखा रहा है। जैसे ही कोड डाला तो यहाँ पर हमारे सामने नया इंटरफेस ईमेल अपडेट हो चुकी है। अब हमारी ईमेल चेंज हो चुकी है। अब अनलिंक करना है, इस ईमेल को रिमूव करना है। अब हमारे पास ईमेल आ चुकी है तो सिंपल सा इस पे ईमेल पे क्लिक करेंगे, अनलिंक ईमेल पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू अनलिंक पे क्लिक करेंगे और अब हमारी ईमेल पर जो कोड भेजा जाएगा उसको यहाँ पर हम टाइप करेंगे। तो फाइनली ईमेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस ईमेल को जो हमने यहाँ पर टाइप की थी इसको ओपन करेंगे और इसमें देखेंगे जो कोड अभी रिसीव हुआ है हमें वो यहाँ पर टाइप करेंगे। तो हमें ये कोड रिसीव हुआ है। जैसे ये इस कोड को यहाँ पर डाला तो आप देख सकते हैं कि ईमेल अनलिंक हो चुकी है। अब सिर्फ हमारे नंबर पर अकाउंट मौजूद है और हमें मैसेज भी रिसीव हो चुका है कि रिमोट कार योर ईमेल वाज रिमूव्ड। बिल्कुल आसानी के साथ आप भी इसी तरह से अपने टिकटॉक अकाउंट का ईमेल रिमूव कर सकते हैं। अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स सेक्शन में हमसे सवाल पूछ सकते हैं और तकरीबन हर कमेंट्स का जवाब मैं देता हूं। दोबारा आप लोगों को दिखा देता हूं, मैंने अकाउंट में यहां पर ईमेल नहीं दिखा रहा, सिर्फ नंबर दिखा रहा है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं एक नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा।